नमस्कार दोस्तों, आज इस सेशन में हम एक मैथ का महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। और वो फैक्ट क्या है कि बिल्कुल मैजिक है, यानी कि मिनट सेकंडों में आंसर निकल जाता है। तीन डिजिट नंबर की अगर कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 101 से, किससे करते हैं 101 से, तो एक स्पेशल फैक्ट आता है। और वो स्पेशल फैक्ट बदलता नहीं है, यानी कि तीन डिजिट नंबर कोई सा भी उठा लो तो वो आंसर सेम के सेम ही होगा। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ ABC, तीन डिजिट नंबर क्या है ABC, और इस ABC की अगर मल्टीप्लाई में 101 के साथ में करूँ ना, तो इसका आंसर ऑलवेज यही रहने वाला है कि ABC रिपीट करेगा ABC। दो बार लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। अब ये तीन डिजिट नंबर जो होगा ना, कोई सा भी नंबर लीजिए, वो सभी पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल भी लेके देखना है ना आपको, तो कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक नंबर लिया 123, और इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हो आप 101 के साथ, तो इसका आंसर जो होगा ना वो यही होगा 123, और कितना होगा फिर 123 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए 123 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो इतना ही आ रहा है ना आ रहा है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सेकंड अगर देखना है, अगर समझ में आया तो। दूसरा नंबर ले रहा हूँ मैं, जैसे कि नंबर ले लिया मैंने 523, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी 101 की, तो इसका भी आंसर कितना होगा देखो, इसका भी आंसर 523 और 523 ही होगा, उम्मीद है। ठीक है, समझ में आएगा। और नंबर ले लीजिए, और नंबर जैसे कि 973, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1001, तो इसका भी आंसर 9 लिखेंगे, 73 और फिर से 973, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अप्लाई कैसे होता है, अप्लाई करने के लिए मैं समझा देता हूँ कि आखिर ये रूल आया कहाँ से। तो रूल को बेसिक समझते हैं कि आखिर ये बेसिक बना कैसे। तो बेसिक जिसको समझना वही देखे, और जिसको नहीं समझना तो वो यहाँ से स्किप वीडियो कर सकता है। जैसे कि एक नंबर हमने लिया था 123, और मल्टीप्लाई करी थी इसके साथ में 101 की। ठीक है, तो इसका आंसर जो आया था वो कितना आया था, 123 और 123। तो ये कैसे आया इसको पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये 1001 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000+1, और मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 123 की करनी है। तो देखो, करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो 123 की मल्टीप्लाई होगी 1000 के साथ में, तो पीछे 30+, 123 की लगाएंगे इसमें, तो ऐसे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो देखो, जोड़ने पे क्या होगा कि 303 202 101, और यहाँ से फिर 123, और ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर देखो समझ में आया हो तो एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन को होमवर्क में जो है इस क्वेश्चन को करके दिखाना। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि यहाँ ले लीजिए 752 मल्टीप्लाई करना 1001 के साथ में, और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 543 मल्टीप्लाई करना 101 के साथ में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा ही गेम यानी फैक्ट बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद साथियों।